हेलो सत श्री अकाल जी। आज दी वीडियो दे विच मेकअप लुक मैं खास तौर पर गणपति उत्सव के लिए बनाई है। ये मेकअप लुक आप गणपति बप्पा की स्थापना और विसर्जन मौके पर होने वाली पूजा के लिए इस तरह की मेकअप लुक अपना सकते हाँ। इस मेकअप लुक दे विच मैं सूट का कलर लाइट रखा है और डार्क मेकअप किया है। आप देख सकते हाँ कि आई मेकअप भी डार्क और लाइट का कॉम्बीनेशन है और इस तरह की मेकअप लुक आप किसी भी पूजा के लिए अपना सकते हाँ। पर मेकअप लुक देखने तो पहले जो मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो और बैल आइकन का बटन है उसमें भी प्रेस कर दियो क्योंकि इस मेरे आने वाली होर भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें तो मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हाँ ये मेकअप लुक। मेकअप स्टार्ट करने के लिए सब तो पहले आप अपने फेस में मॉइस्चराइजर करांगे। मॉइस्चराइजर करने के लिए मैं हिमालय फेस क्रीम ले रही हाँ। इतने आप कोई भी क्रीम ले सकते हाँ। क्रीम लैके चंगी तरह फेस से अप्लाई कर लवेंगे। इस तो बाद प्राइमर अप्लाई करांगे। प्राइमर के लिए मैं एलोवेरा जैल ले रही हाँ। इस तरह एलोवेरा जैल भी चंगी तरह फेस से अप्लाई कर लवेंगे तो इसमें अपने फेस में चंगी तरह रचा लवेंगे और इस हिसाब आप सैट हो देवे। सब तो पहला आईब्रो बनाने के लिए आईब्रो पेंसिल लवेंगे। इतने आप आईब्रो बनाने के लिए कोई भी आईब्रो पेंसिल या मस्कारे नाल भी अपनी आईब्रो सैट कर सकते हाँ। इस तो अलावा जैल लाइनर आदि भी वर सकते हाँ। आईब्रो पेंसिल के नाल आईब्रो शेप बना लवेंगे तो अपनी आईब्रो को डार्क करांगे। आप अपनी आईब्रो को अगर थोड़ा मोटा बनाना चाहते हाँ तो थोड़ी मोटी शेप भी रख सकते हाँ। तो इस तों बाद इस नूं आपां फिल कर लवेंगे। आईब्रो ब्रश लैके चंगी तरह आईब्रो सैट कर लवेंगे जिस नाल अपनी आईब्रो पेंसिल का कलर एक सार हो जाएगा। उस तो बाद कंसीलर पैलेट लै लवेंगे तो लाइट ऑरेंज कलर नू अपने उंगल ते ही लैके अपनी आई ते अप्लाई कर लवेंगे। आईब्रो दे नीचे अते उपर भी कंसीलर अप्लाई कर लवेंगे। इस दे नाल आईब्रो की शेप चंगी तरह सैट हो जाएगी। ब्यूटी ब्लेंडर लैके कंसीलर नू चंगी तरह सैट कर लवेंगे। ब्लेंड करन तो बाद पाउडर लगा के चंगी तरह सैट कर लवेंगे। आई शैडो पैलेट विचों ये डार्क जैलो कलर लवेंगे। इस शेड नू पूरी आईलेट ते अप्लाई कर लवेंगे। सब तो पहले आप अपने बैक ते इस कलर डिपोजिट करांगे ते उस तो बाद ब्रश के नाल इस नू आपां पूरी आई ते अप्लाई करांगे। शेड नू चंगी तरह ब्लेंड कर लवेंगे। ब्लेंडिंग आपां बाहर तो अंदर वाल नू करनी है। इस आई शैडो कलर नू क्रीज लाइन ते क्रीज के उपर आईब्रो के नीचे भी चंगी तरह अप्लाई कर लवेंगे। अप्लाई करने तो बाद ब्रश के नाल ब्लेंड कर लवेंगे। ब्लेंडिंग उस तरह ही बाहर तो अंदर वाल नू करनी है। हुण रैड कलर लवेंगे। इस रैड कलर नू आपां अपनी आईलेट के उपर क्रीज लाइन ते अप्लाई करांगे जिथे अपनी आई दी कट क्रीज बनती है उत्थे इस रैड कलर नू अप्लाई कर लवेंगे। इस तो बाद डार्क जैलो शेड लवेंगे नू कट क्रीज के नीचे जिथे आपां रैड कलर अप्लाई किया है उस तो नीचे दी आईलेट ते अप्लाई कर लवेंगे अते इस तरह ही चंगी तरह ब्लेंड कर देवांगे। फाउंडेशन के लिए इतने मैं मैबलिन का फिटमी फाउंडेशन ले रही हाँ। फाउंडेशन नू हैंड ते ले लवेंगे अते डॉट डॉट की तरह पूरे फेस से अप्लाई कर लवेंगे। अपने कन्ना ते गर्दन ते भी फाउंडेशन अप्लाई करांगे जिस नाल सारा शेड इक्को जिहा लगे। ब्यूटी ब्लेंडर के नाल फाउंडेशन नू चंगी तरह सैट कर लवेंगे। ब्लेंडर के नाल कवरेज बहुत वधिया आती है। इस दे नाल अपना मेकअप वाटरप्रूफ बन जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर वरतन तो पहले इस नूं आपां पानी में चंगी तरह डिप करके इहदा सारा पानी निचोड़ देना है। आप देखते हैं कि अपना फाउंडेशन चंगी तरह ब्लेंड हो गया है। आई शैडो पैलेट विचों ये कलर लैके आप अपनी अखां दे नीचे अप्लाई करांगे। अगर अपने डार्क सर्कल हैं तो इस दे नाल ये हाइड हो जाएंगे। इस पैलेट विचों ये जैलो कलर लैके आप अपने फेस से अप्लाई करांगे हाईलाइटिंग के लिए इस तरह डॉट डॉट की तरह फेस के जो भी पार्ट आप हाईलाइट करना चाहते हैं उससे इस शेड नू अप्लाई करांगे। इस पैलेट के विचों डार्क ऑरेंज शेड लैके आप अगर अपने फेस से कितने भी पिंपल हैं उन्होंने हाइड करने के लिए अप्लाई करांगे। एक कंसीलर पैलेट किस ब्यूटी कंट्रोल पैलेट है तो इस पैलेट के शेड आप किस तरह बर सकते हैं इससे मैं वीडियो भी बनाई है। अगर तुम देखनी चाहते हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो दे देवगी। इस भी ब्लेंडर के नाल चंगी तरह सैट कर लवेंगे। इस तो बाद पाउडर लैके सब सैट कर लवेंगे। पाउडर आप इस तरह हल्का हल्का ही लगाना है। इस तरह अपना मेकअप
ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਕਮੇ ਦਾ ਸਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪੈਕਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਵੱਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਲਾਈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਲਾਈਨਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਈਲਾਈਨਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈਕਮੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕਾਜਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਜਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੋਡੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਧੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਚਿੰਗ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਝੁਮਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਸੂਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੁੱਕ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਏ ਬਾਏ।